यार आज मैं क्लास एट एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करूंगा। एब्जॉर्ब द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट। हमें इस पैटर्न को फॉलो करना है और इस फिलिंग इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो सबसे पहले देखिए, वन और वन के बीच में आपको क्या दिख रहा है? एक भी जीरो नहीं दिख रहा है। पहले तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121। यहाँ पे इस पैटर्न को समझेंगे। वन और वन के बीच में एक भी जीरो नहीं दिख रहा है, इसलिए वन और टू के बीच में एक भी जीरो नहीं है और टू और वन के बीच में भी एक भी जीरो नहीं है। यहाँ पर देखिए, वन और वन के बीच में एक जीरो है, उसी तरह वन और टू के बीच में एक भी जीरो नहीं था लेकिन यहाँ पे है, तो इसलिए 121 लिखेंगे और उसके बीच में 110 दे देंगे। उसी तरह यहाँ पे 20 है तो ये दोनों दो दो जीरो गए। यहाँ पे देखिए, 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ 40, तो यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 1 और 2 के बीच कितने जीरो होंगे? 6 जीरो, तो 1 तो लिख दिए। उसी तरह 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ से 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, लास्ट में 1। उसी तरह 5 नंबर को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, अब्सॉर्ब द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। जिस तरह 1 को देखे थे उसी तरह 5, जिस तरह 4 को देखे थे उसी तरह 5 भी बनेगा। यहाँ पर 11 का स्क्वायर 121 होता है, ठीक। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 1 के बाद एक जीरो, यहाँ पर 1 के बाद एक जीरो, कितने 1 है यहाँ पे? 1, 2, इसलिए हम लोग 2 पे रुक जाएंगे। इसी तरह देखिए, 1 2 3 3 1 है, तो 1 2 3, यहाँ पे कितने 1 2 3 4, 1 0 2 0 3 0 4 रुक जाएंगे, फिर उल्टा चलेंगे। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे 1 0 1 0 1 था, कितने 1 था? 3 1, तो 3 तक हम लोग जाएंगे, 1 0 2 0 3 रुक गए, फिर उल्टा जाएंगे 0 2 0 1। उसी तरह 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0, 1 2 3 4, 4 1 है, तो 1 0 2 0 3 0, 4 पे रुक गए, फिर उल्टा चलेंगे 0 3 0 2 0 1, ठीक। यहाँ पे कितने तक है? 5 तक है, मतलब बीच में 5 है, मतलब कितना 1 होगा? 5 1 होगा, 5 1 होगा, तो 1 2 3 4 5 यही हो गया, 4 और 5। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आपने इससे पहले एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आई बटन पे क्लिक करो और प्ले लिस्ट जाकर चेक करो, वहाँ से आप पहले का वीडियो देख सकते हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।